स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो जॉय जो है उसने आकर जो है उस गुंडे को एक पंच मारा होता है। तो एलिन ये देख के शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि जॉय तुमने मुझे दोबारा से बचा लिया। तभी जो है वो गुंडा जो है वो खड़ा होता है और कहता है कि जॉय तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, तुमने आज अभी जिस हाथ से मुझे मारा है ना कल सुबह तक तुम्हारे वो हाथ नहीं होंगे। तभी जो है जॉय जो है वो कहता है कि ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है अपने आप को और बेवकूफ़ बनाने का। गुंडा कहता है क्या का, और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो कहता है चलो मारते हैं, तो वो अपने गुंडों के साथ आगे आता है। तो ये चीज़ जो है वो एलन देखता है और घबरा जाता है और क्या सोचता है कि मैं नहीं चाहता मेरी वजह से जॉय जो है परेशानी में हो। तो जो एलन जो है वो जॉय को धक्का दे देता है और खुद गिरने वाला होता है और कहता है कि जॉय तुम जाओ यहाँ से। तो जॉय जो है एलन का हाथ पकड़ लेता है, वो गिरने वाला होता है और कहता है तुम मेरे साथ चलोगे, वो तुम्हें नहीं कह रहे हैं तो तुम चुप रहो और मेरे साथ चलो। तो वो लोग ऐसे फिर जो जो जॉय है वो एलिन को ऐसे थोड़ा भगाते हुए लेके जा रहा होता है और वो गुंडे जो है वो कहते हैं उनका पीछा करो उनका पीछा करो। तभी जो है जॉय के जो बॉडीगार्ड है वो उनको रास्ते में मिल जाते हैं और वो बॉडीगार्ड कहते हैं बॉस आप हमारे साथ चलिए। वो जो गुंडा है वो भागते भागते जो एलिन और जॉय के पास आ जाता है। तो जो जॉय का बॉडीगार्ड है वो उन दोनों को सेव करता है। तो वो गुंडा जो है वो कहता है जॉय तुम याद करो तुम्हारा 178 प्लॉट वाला प्रोजेक्ट। तो जो जॉय जो है वो एलिन को देखता है और कहता है इसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तो जो जॉय है वो कहता है मुझे उस चीज़ से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सुन के जो है गुंडा जो है वो थोड़ा स्माइल करता है, कहता है ओ ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर मैं तुम्हें बाद में देख लूँगा। जो जॉय है वो एलिन को उठा के रखता है। तो जो जॉय का बॉडीगार्ड होता है वो कहता है कि बॉस चलो हमें जाना चाहिए। तो जॉय कहता है हाँ ठीक है। उसके बाद हम दोनों एलिन और जॉय को उनके घर पे देखते हैं। तो जो जॉय जो है वो अभी शावर लेकर आता है, वो ऊपर से जो है एलिन को सोते हुए देखता है। एलिन जो है वो सोफे पे सो रहा होता है। तो जो जॉय देखते हैं कि एलिन को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो नीचे आता है और एलिन को जगाता है। वो होता है क्या हुआ कुछ प्रॉब्लम हो रही है? तभी जो है एलिन जो है वो थोड़ी सी अपनी आंखें खोलता है और जॉय को अपनी तरफ खींच कर उसको जो है किस कर लेता है। तो उन दोनों के बीच थोड़ी बहुत किस जो है वो होती रहती है। तभी जो है एलिन बोलता है कि मुझे चाहिए। तो जो जॉय वो कहता है अभी? तो वो कहता है हाँ। तो जॉय जो है वो एलिन की बॉडी को टच करता है। हाँ तो वो कह तो जॉय जो है वो सोचता है कहीं ये मुझे इसने कभी ऐसा कुछ कहा नहीं है, कहीं ये जो मुझे टेस्ट तो नहीं कर रहा। फिर वो सोचता है नहीं, एलिन ऐसा नहीं है, उसका ये स्टैंड नहीं है। जॉय जो है वो मान जाता है, वो कहता है ठीक है जो तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ ज़रूर करूँगा। उसके बाद जो एलिन और जॉय के बीच कुछ हॉट सीन्स हो रहे हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सुबह का सीन, हम देखते हैं कि एलिन जो है वो बेड पे होता है और उसकी जो आँखें हैं वो धीरे धीरे अपनी आँखें खोलता है और वो देखता है कि मैं कहाँ पे हूँ। हाँ, और जैसे वो टर्न होता है तो वो जो है जो को देख के बिल्कुल घबरा सा जाता है और जो है घबरा के बिल्कुल बैठ जाता है और कहता है क्या जियो की चेस्ट? हाँ, मैं यहाँ कैसे आया, मैं जियो के बेड पे कैसे आया? और ये इसकी गर्दन। तभी जो है अचानक से जो जो है उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो एलिन का हाथ पकड़ लेता है और जो है कहते हैं सुबह होगी और एलिन का हाथ पकड़ कर उसको जो है अपनी तरफ खींच लेता है और बिल्कुल पकड़ के सोने लग जाता है एलिन को। तभी जो है एलिन जो घबरा के कहता है कि मैं तुमने मेरे साथ कल क्या किया? तो जॉय जो है वो एलिन से कहता है कि ये सवाल तुम मेरे से पूछ रहे हो? तो एलिन कहता है क्या मतलब कल मैंने तुम्हारे साथ किया? तो जॉय कहता है और क्या कल तुमने मेरे साथ फन किया और तुम कह रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूं। तो ये सब बता ही रहा था तभी जो एलिन जो है वो जॉय के हाथ मुंह पे जो है हाथ रख देता है, उसे दूर करता है और कहता है कि मुझे विश्वास नहीं कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। और जो है एलिन जो है मन में सोचने लग जाता है कि मुझे कल ऐसी अंदर से फीलिंग आ रही थी कि कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है और मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर नहीं सकता। तभी जो है जो जो है वो कहता है कि तुम्हें विश्वास नहीं है तो ये देखो मेरी बॉडी। तो जो एलिन जो है वो अपने फेस पे जो आँखें ऐसे बंद कर लेता है, अपना हाथ रख लेता है तो कहते हैं मेरे पास प्रूफ भी है, ये देखो मेरी नेक। तो जो एलिन है वो कहता है क्या मैंने कल तुम्हें बाइट किया? तो जो
जॉय है वो कहता है नहीं मैंने खुद अपने खुद से ही अपने नेक को बाइट कर लिया है। और ये जो देख के जो एलिन जो है बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। तो जॉय कहता है कि ठीक है मैं पहले जो है मैं शावर लेने जा रहा हूँ। तो जो एलिन है वो सोचता है कि जॉय सच बोल रहा है, कल सच्ची में हम दोनों के लिए सब कुछ हो गया है। और ये जो सोच के वो जो ब्लैंकेट है उसके अंदर फेस कर 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 मतलब शर्माता है और कहता है ओ माई गॉड कि मैंने क्या कर दिया, मैंने जॉय के साथ फ़न किया। तो जॉय जा रहा होता है लेकिन रुके वो कहता है कि अभी तुमने मेरे साथ फ़न किया, मेरी तरफ चारों ओर घूमा, अब तुम ब्लैंकेट के साथ चारों तरफ घूम रहे हो है, उसके साथ अब फ़न करो। तो तभी जो है जो एलिन है वो उठ के आता है, कहता है नहीं नहीं मैं पहले शावर लेने जा रहा हूँ। तो वो भागते हुए जा रहा होता है। तो ये देख के जो जॉय है वो कहता है कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन है, मज़ा आ रहा है इसके साथ रहने में। तो जो एलिन जो है वो सोचता है माय गॉड मैंने क्या कर दिया है। लेकिन अभी मैंने जॉय को देखा, अभी वो स्माइल कर रहा था। साथ ही गाइस हमारा ये जो एपिसोड है यहीं पे ख़त्म होता है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय चैनल। प्लीज़ गाइस आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए। अपना ख्याल रखिए, बाय।